अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्लेटो, जो कि सीएसएस पॉलिटिकल साइंस और पीएमएस पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह हम कंप्लीट सिलेबस जो है पॉलिटिकल साइंस का वन बाय वन करके उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम वेस्टर्न फिलोसोफर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस्लामिक फिलोसोफर्स को, एंड देन हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। सो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम प्लेटो को डिस्कस करेंगे, और प्लेटो की जस्टिस पर क्वेश्चन जो है वो सीएसएस और पीएमएस दोनों में ही आता रहता है, दोनों के हवाले से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस दफ़ा सीएसएस 2023 के एग्ज़ाम में प्लेटो की जस्टिस का क्वेश्चन सोशियोलॉजी में भी आया हुआ था, सो इसको लाजमी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहले इस टॉपिक के हवाले से जो थोड़े बहुत एमसीक्यू से रिलेटेड डाटा है उसको हम देख लेते हैं। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन अगर इस पर आ जाता है तो वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से कोई एमसीक्यूज़ आ जाए। सो स्टार्टिंग में हम थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ से रिलेटेड देख लेते हैं। प्लेटो वॉज बॉर्न इन एथेंस। एथेंस जो है वो एक सिटी स्टेट था और वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। ये इंटायर कंट्री जो है दैट वॉज कंसिस्टेड ऑफ वन सिटी, वहाँ पर सिर्फ एक ही सिटी थी। एकेडमी वॉज द इंस्टीट्यूशन दैट प्लेटो इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ सोक्रेटिस। सो सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो ने जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था उसका नाम क्या था, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, तो उसका नाम था एकेडमी। प्लेटो ने तीन किताबें लिखी थी जिनके नाम हैं रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट करना होता है किसी भी फिलोसोफर को स्टडी करने से पहले, और क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी स्टार्ट पे आप कॉन्टेक्स्ट लाजमी लिखें। सो द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन एथेंस वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सोक्रेटिस। सोक्रेटिस कौन था? ही वॉज टीचर ऑफ प्लेटो। उसने क्रिटिसाइज किया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। ही कॉल्ड इट अ करप्ट सिस्टम। उसके एक सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो करप्ट सिस्टम था, एक बैड सिस्टम था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच सोक्रेटिस वॉज एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ क्रिटिसाइजिंग डेमोक्रेसी। और इस क्रिटिसाइज करने की वजह से सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट कर दिया गया। स्टेट गेव हिम पॉइजन। स्टेट थिंक्स दैट हिज पनिशमेंट शुड बी डेथ, कि उसकी सिर्फ एक ही पनिशमेंट हो सकती है और वो डेथ है। यही बेसिक रीज़न थी जिसकी वजह से प्लेटो बिकेम डिसरिस्पेक्टफुल टू दैट डेमोक्रेसी विच कुड नॉट टॉलरेट एंड एग्जीक्यूटेड हिज टीचर सोक्रेटिस। ही बिलीव्ड दैट दिस कैन नॉट बी अ गुड सिस्टम विच इज़ अनएबल टू टॉलरेट द टीचर्स लाइक सोक्रेटिस। सो जो प्लेटो का जो वजह थी हेट्रेड टूवर्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसकी बेसिक वजह ये थी क्योंकि उसके जो टीचर था सोक्रेटिस उसने क्रिटिसाइज़ किया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, जिसकी वजह से उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया पॉइजन देकर। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो एक आइडियल सिस्टम नहीं हो सकता जो सोक्रेटिस जैसे जो टीचर हैं उनको टॉलरेट ना कर सके। Therefore, he developed a hatred for democracy, said that it's a bad system that execute people who differ with it. Therefore, if it is a bad system, what should be the ideal system? So, तब प्लेटो ने सोचा कि अगर जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो आइडियल सिस्टम नहीं है तो क्या होगा फिर आइडियल सिस्टम, जिसकी वजह से यही वजह थी कि प्लेटो ने आइडियल स्टेट थ्योरी दी to reject and criticize direct democracy which was responsible for executing his teacher. ठीक हो गया, context आपको समझ में आ गया है। In other words, if Athens had not executed his teacher Socrates, Plato would have never written theory of ideal state. So theory of ideal state Plato ने क्यों लिखी?
अगर सोक्रेटिस को, जो कि प्लेटो का टीचर था, उसको एग्जीक्यूट ना किया जाता तो शायद प्लेटो ने आइडियल थ्योरी जो है वो कभी लिखी ही ना होती। ही रोट इन रिस्पॉन्स टू द क्रुएलिटी डन टू हिज टीचर। कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम प्लेटो की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। प्लेटो बिगिन्स हिज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट बाय सेइंग दैट एन आइडियल स्टेट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। सो प्लेटो का ये कहना था कि जो भी आइडियल स्टेट है वो कैसे इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की प्रिंसिपल पे। प्लेटो बिगिन्स हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय स्टेटिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव थ्री बेसिक इंस्टिंक्ट्स इन इट। प्लेटो ने अपनी थ्योरी को स्टार्ट किया ये डिस्क्राइब करते हुए कि तीन बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में। फर्स्टली, एवरी ह्यूमन बीइंग पोजेसेस सम काइंड ऑफ लस्ट या डिज़ायर। हर ह्यूमन बीइंग में पहली जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होती है, लस्ट या डिज़ायर। सेकेंडली, एवरी ह्यूमन बीइंग आल्सो हैव करेज और स्पिरिट। एंड थर्डली, एवरी ह्यूमन बीइंग आल्सो हैव विजडम और रीज़न। सो तीन बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं हर ह्यूमन बीइंग में। फर्स्ट लस्ट और डिज़ायर, सेकेंड स्पिरिट और करेज, एंड थर्डली विजडम और रीज़न। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव ऑल अबव मेंशन्ड इंस्टिंक्ट्स एट वन टाइम। However, any one of them is dominant and others are present but not dominant. Lesser होता है उनका influence. So हर human being में ये तीनों instincts जो हैं वो पाई जाती हैं और इनमें से कोई एक जो है वो dominant होती है और बाकी dominant नहीं होती, उनका influence जो है वो कम होता है। किसी में lust जो है वो dominant होगी, किसी में courage dominant होगी और किसी में wisdom dominant होगी और बाकी जो हैं वो lesser dominant होंगी। प्लेटो सेज दैट दोज पीपल हु हैव लस्ट इन देम दे मस्ट वर्क फॉर द स्टेट। सो प्लेटो के अकॉर्डिंग जिनमें लस्ट डोमिनेंट है, जो लालची ज़्यादा हैं, वो क्या करें, दे मस्ट वर्क फॉर स्टेट। और क्या काम करना चाहिए उन्हें, दे मस्ट बी आर्टिसंस, वर्किंग विद हैंड्स, मैनुअली जो लोग काम करते हैं उसके लिए यहाँ पर जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ आर्टिसंस, कि वो हाथ से काम करें स्टेट के लिए। और वो इंडिविजुअल्स हु हैव करेज एज डोमिनेंट इंस्टिंक्ट, दे मस्ट प्ले द रोल ऑफ मिलिट्री, उन्हें मिलिट्री में जाना चाहिए जिनमें करेज ज़्यादा है। एंड दोज इन विच विजडम और रीज़न इज़ डोमिनेंट, दे शुड बी लीडर्स, जिनमें विजडम रीज़न जो है वो डोमिनेंट होगा उन्हें लीडर्स बनना है, प्ले द रोल ऑफ rulers. If people in society play the role in society in accordance with the dominant instincts, this is called justice. So Plato ki justice kya hai, ki jis individual mein jo instinct dominant hai agar wo uske according kaam kar raha hai to phir ye justice hai. It means everyone must perform a function in which they are specialized. मतलब कि जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं, जो उनके अंदर इंस्टिंक्ट डोमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। हाउ टू नो विच इंस्टिंक्ट इज़ डोमिनेंट इन रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस इंडिविजुअल में कौन सी इंस्टिंक्ट जो है वो डोमिनेंट है, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको काम दिया जाए। अब इस पर्पज़ के लिए प्लेटो ने इंट्रोड्यूस किया स्कीम ऑफ एजुकेशन। प्लेटो की जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है इंडिविजुअल की बर्थ से, और वो तीन फेजेस में उसने डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज जो है वो बर्थ से लेकर 18 इयर्स तक है। अब इस फेज को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला फेज जो है वो बर्थ से 6 इयर्स तक है। इसके दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज अ चाइल्ड बॉर्न should be taught by the state appointed mothers.
स्टेट अपॉइंटेड जो मदर्स होंगी वो बच्चों को सिखाएंगी. शी विल एक्चुअली नरेट्स द स्टोरी ऑफ ग्रीक्स ब्रेवरी करेज एंड वॉर्स. फेज वन में ये होगा, ठीक है. फेज टू का जो टाइम पीरियड है वो 7 से लेकर 18 तक है. इन दिस फेज चाइल्ड विल गो टू स्कूल एंड व्हेन चाइल्ड इज एनरोल्ड इन पब्लिक स्कूल अप टू 18 इयर्स ऑफ एज ड्यूरिंग दिस टाइम द चाइल्ड विल बी टॉट विद लिटरेचर म्यूजिक एंड जिमनास्टिक्स. म्यूजिक एंड लिटरेचर taught will be censored only that music or literature that will create a sense of patriotism, sense of loyalty towards Greeks. And here gymnastics in related with military sports such as horse riding and other physical training in military sense. After 18 years there shall be an examination that will last 4 years. In 19th and 20th year, special focus shall be on military training, and through military training there will be examination. Those who pass exam at the age of 20 will join second phase, and those who fail will become artisans. So phase 7 से 18 में क्या है, यहाँ पर उन्हीं children को जो है वो school में enroll किया जाता है पब्लिक स्कूल में. प्राइवेट स्कूल की वहाँ पर कोई चॉइस नहीं थी. इस टाइम पर चिल्ड्रन जो है वो क्या सीखते थे, लिटरेचर म्यूज़िक और जिमनास्टिक्स. जिमनास्टिक्स में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हॉर्स राइडिंग वगैरह आ जाती है. और फिर 18 इयर्स के बाद एक एग्ज़ाम लिया जाता था, जो उस एग्ज़ाम को ज़्यादातर वो मिलिट्री ट्रेनिंग से रिलेटेड भी होता था उसमें. सो जो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा वो सेकंड फेज में एंटर हो जाएगा, और जो उसको फेल कर लेगा वो आर्टिसंस बन जाएंगे. मतलब वो स्टेट के लिए काम करेंगे, जो मैन्युअली हाथ से काम करेंगे. तो इससे ये साबित हुआ कि उनमें लस्ट ज़्यादा है, उनमें जो लस्ट की इंस्टिंक्ट है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आर्टिसंस बनेंगे. जो सेकेंड फेज़ है वो शुरू होता है 21 से 35 ईयर्स तक का. एट द एज ऑफ 21 टू 35 द इंडिविजुअल्स जो कि ग्रोन अप किड्स हैं विल बी टॉट विद साइंसेज, फिलोसफी, मैथमेटिक्स एज वेल एज जिमनास्टिक्स एंड मिलिट्री ट्रेनिंग विल बी कंटिन्यूड. आफ्टर 15 ईयर्स देर विल बी अनदर एग्ज़ाम एंड दोज हु विल पास द एग्ज़ाम विल गो टू थर्ड फेज एंड दोज हु विल फेल विल बिकम द पार्ट ऑफ मिलिट्री. अब सेकेंड फेज में क्या होगा कि इनमें एडवांस लेवल की फिलोसफी और साइंस वगैरह पढ़ाई जाएगी उन्हीं स्टूडेंट्स को जो कि ग्रोन अप किड्स हैं, और जो मिलिट्री की एक्सरसाइज वगैरह है वो मिलिट्री ट्रेनिंग वो कंटिन्यू रहेगी साथ साथ. और 15 ईयर्स के बाद फिर एक और एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो लोग जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे वो थर्ड फेज में एंटर हो जाएंगे, और जो पास नहीं करेंगे वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेंगे. अब थर्ड और लास्ट फेज है, वो 36 से 50 ईयर्स तक का है. In those 15 years, people will be taught with advanced philosophy, advanced mathematics, advanced sciences. In addition to that, they would be attached with existing जो rulers हैं. Sorry, जो पिछला phase था ना उसमें science, literature और ये चीज़ें सिखाई जाती थी, जबकि 36 से 50 वाले phase में यहाँ पर एडवांस लेवल की फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स और साइंसेस वगैरह पढ़ाई जाती हैं. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जिस्टिंग रूलर्स के साथ अटैच भी रहेंगे ताकि वो उनसे सीख सकें. आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स दोज हु विल पास विल बी एलिजिबल टू बिकम रूलर्स एंड वन आउट ऑफ देम शैल बी चूजन एज फिलोसोफर किंग. जो पास कर लेंगे वो रूलर्स बनेंगे, और जो पास नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली फिलोसोफर किंग बन जाएंगे. अब फीचर्स क्या थे इस एजुकेशन स्कीम के, 3 फीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो.
Firstly, this education is state-controlled education. State-based education है, private education जो है वहाँ पर banned थी. Then this education is compulsory on all citizens. सारे citizens के लिए ये compulsory थी और हर किसी को इसमें enrolled होना था. थर्ड जो फीचर है वो है, इट विल हैव इक्वलिटी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. मैन कैन गेट देमसेल्व्स एजुकेटेड एंड वुमेन आल्सो कैन गेट एजुकेशन. कंपलसरी थी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. सो एजुकेशन जो है वो प्राइवेट एजुकेशन यहाँ पर बैंड थी. सेकंड जो है वो कंपलसरी थी सारे सिटीजन्स के लिए. थर्डली जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट थी मैन और वुमेन दोनों के लिए.